तो फाइनली गाइस ये मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। हम सोचते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि रोज़ एक व्लॉग डालूँगा मैं। तो आज हमारा है फर्स्ट डे, तो हम कर रहे हैं जिम। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार आप जिम कैसे कर लेते हो, इतना हैक्टिक पे भी इतना बाहर का खाते हो, जिम कैसे करते हो? भाई कर लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से करना पड़ता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर हम व्लॉग बनाए जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो लेट्स सी होता कैसा है। ये शिव जी, यहाँ से जिम का व्यू, वो अभी तो यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, अदरवाइज बहुत मज़ा आता है जिम करने में, क्योंकि वाइब बहुत अच्छी है। मुझे 2 साल हो गए जिम में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे जिम करने में यहाँ पे। अच्छा वर्कआउट कर लिया हमने आज, पता मुझे चेस्ट शोल्डर और एब्स को वर्कआउट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये ब्लॉग हम बना रहे हैं क्योंकि ये है मेरा पहला व्लॉग, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर चीज़ बताऊँ अपने लाइफ की, क्योंकि तो इतना जल्दी कॉन्फिडेंट नहीं आता। पहला व्लॉग है, थोड़ा डर भी, नर्वस भी, कैसा होगा, कैसे वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आप लेट्स सी देखते हैं, चालू करते हैं। आप लोग प्यार देना, कुछ होगा कमेंट करके बताना कि कैसा है। ये हो गया हमारा जिम का कंप्लीट, अब मैं निकल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त धूप है आज का। और ये हमारी ओला, यार ओला मज़ा, मतलब मज़ा आता है मुझे ट्रैवल करने में ओला में, यार ज़बरदस्त गाड़ी है यार, मतलब सच में ज़बरदस्त गाड़ी है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को ओला पसंद है कि नहीं। यार इसकी एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, एक मिनट भी नहीं, जल्दी हो जाती है, जल्दी तुरंत से लॉक हो जाती है, फिर उसमें पासवर्ड डालो, ये सबसे इरिटेट लगता है। बट ठीक है यार, सेफ्टी है अपनी, बट मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में ओला। अच्छा आते तक खाओ कि चला जाए तो। भैया जी हमारे नारियल पानी वाले, जिनके पास मैं आता हूँ मंथली पैसे दे देता हूँ इनको, एक महीने का एक साथ, और यहाँ पे रोज़ जिम करने के बाद एक नारियल पानी फिक्स है हमारा, रोज़ पीते हैं हम। तो दीदी ने बोला चलो झाड़ू लगा रहे साइड हो जाओ थोड़ा सा, चलो ठीक है हो जाते साइड। तो ये हो गया हमारा नारियल पानी रेडी, जो कि मुझे ये थोड़ा कम रेट में देते क्योंकि हम रोज़ आते हैं इनके पास, ये मार्केट में अगर 50 का रहा तो हमें 40 रुपये में देते हैं। तो हम लोग गए थे अभी ड्रिंक एंड ड्रीम, मैं भूल गया था ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ये हमारे मिस्टर पूरी सिंह जी, जयपुर के फेमस ब्लॉगर। फेमस नहीं सर, नहीं फेमस ही, तो मेरे को अचानक से याद आ रहा है रास्ते में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ले लेते हैं, बोला कवर करते हैं इनका। तो क्या डाल रहे हो आप पेज में फिर अपने? YouTube में डालेंगे भाजी, आज पहला दिन है हमारा ब्लॉगिंग का, आज जहाँ जा जाएंगे वहाँ ब्लॉगिंग करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपका पेज, भगवान करे इतना ग्रो करे, इतना ग्रो करे कि मिस्टर बीस्ट को आप पीछे छोड़ दें। तो भाजी का ये एल्युमिनियम बिजनेस और साथ में करते हैं फूड ब्लॉगिंग भी, मल्टी टैलेंटेड है ये। तो अभी ये दिवाली में बिजी चल रहे हैं ये, तो फूड ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे बहुत ज़्यादा। तो इनका पेज जाके फॉलो करो, मिस्टर फूडी सिंह के नाम से, अच्छा है कॉन्टेंट मिलते हैं आपसे। आपका दिन शुभ हो। तो मैं आया हूँ गिरनार रेस्टोरेंट, और ये गिरनार रायपुर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आज यहाँ हमारा शूट है, तो हम यहाँ आज आए हैं गिरनार, और आपको दिखाएंगे गिरनार कैसा दिखता है अंदर से, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है, बहुत साल पुराना है हमारा, बचपन बिता मेरा नानी घर रहता था, कहीं पीछे भी कम आते थे यहाँ पे। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का शूट। तो इनके 3 आउटलेट, एक नीचे स्वीट की शॉप है, ऊपर एक खाली रेस्टोरेंट और ये गिरनार है। तो भाई हमारा शूट चल रहा है कंटिन्यू, भाई लोग उधर ले रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ अभी लेने का, तो हमने कुछ देखते खाने का ऑर्डर किया। तो हमारा हो गया शूट कैंसिल, नहीं पता क्यों किस रीज़न से। ये भाई है हमारे असलम, ये आयुष, आज ये हमारे पहले व्लॉग में शामिल हुए हैं। हेलो गाइस, और हम खा रहे हैं खिचड़ी क्योंकि शूट हो गया कैंसिल, हम आएंगे संडे को, तो कुछ रीज़न की वजह से शूट हो गया पोस्टपोन। तो मिलते हैं असलम और आयुष से हम संडे को।
तो ये हो गया यहाँ का मौसम आज, बारिश बेमौसम बारिश हो रही है अचानक से और बहुत ज़्यादा तेज है यार बारिश। ये रायपुर का फेमस चौक जैसम चौक, शारदा चौक, बारिश ज़बरदस्त हो रही है, बिन मौसम बरसात, अब नहीं पता कब रुकेगा ये। भाई दिखा था भी संजय, नहीं इवनिंग स्नैक्स लेने आए हम, हांडवी और ढोकला और कलाकंदी और डेढ़ उसके सैंडविच भी।